नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों अगर आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की इस वीडियो में हम स्कोडा की रैपिड का जो बेस वेरिएंट है राइडर, उसके साथ में सेकंड वेरिएंट एम्बिशन को कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों में 2.5 लाख रुपए का प्राइस गैप है। काफ़ी छोटा वीडियो है दोस्तों, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नॉलेज भरा ये वीडियो होने वाला है। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोनों ही वेरिएंट्स को हम एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एम्बिशन इस 2.5 लाख रुपए के प्राइस गैप को जस्टिफाई कर पाती है या नहीं, क्योंकि दोनों गाड़ियों में फीचर्स के अलावा बाकी सारी चीज़ें जैसे कि डायमेंशंस, इंजन स्पेसिफिकेशंस, वारंटी वगैरह सब कुछ सेम आता है। स्कोडा ने यहाँ पर अपनी रैपिड को 7,49,000 रुपीज़ में लॉन्च करके एक बहुत ही बेहतरीन तीर चलाया है, एक बढ़िया ट्रंप कार्ड खेला है, क्योंकि अपनी कीमत के दम पर ही स्कोडा की रैपिड अपने सेगमेंट के साथ साथ सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान का जो सेगमेंट है, जहाँ पर आपको मारुति की डिज़ायर देखने को मिलती है, फोर्ड की एस्पायर देखने को मिलती है, होंडा की अमेज़ देखने को मिलती है और ह्युंडई की ऑरा जैसी गाड़ियाँ देखने को मिलती है, इन सभी गाड़ियों के साथ साथ में स्कोडा की रैपिड अपनी कीमत के दम पर सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी का जो सेगमेंट है उसे भी एक तगड़ा कंपटीशन ऑफर कर रही है। और इसका सीधा सीधा सबूत ये है दोस्तों कि आज की रेट में स्कोडा की रैपिड के लिए अप्रोक्सीमेटली 45 डेज़ का वेटिंग पीरियड चल रहा है। अगले महीने स्कोडा की रैपिड के सेल्स फिगर डेफिनेटली देखने लायक होंगे, क्योंकि जून के महीने के सेल्स फिगर की अगर हम बात करें तो स्कोडा की सभी गाड़ियों को मिलाकर स्कोडा ने पूरी इंडिया में केवल 790 यानी कि 790 यूनिट्स बेची हैं, जिसमें से 577 यूनिट इकलौती रैपिड के हैं और बाकी सभी गाड़ियों को मिलाकर स्कोडा ने केवल 213 यूनिट ही बेचे हैं। तो अगले महीने स्कोडा की रैपिड के सेल्स फिगर में कितना उछाल देखने को मिलता है ये देखना काफ़ी एक्साइटिंग होगा दोस्तों। स्कोडा की रैपिड पर बाकी सभी सेगमेंट की गाड़ियों के साथ में मैं ऑलरेडी कई सारे कंपैरिजन वीडियोस बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से वो सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन की ओर, जो कि है प्राइसिंग। प्राइस बताने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों कि मेरे किसी भी वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करता हूँ वो सारे के सारे प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई होते हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए जाते हैं। तो अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों स्कोडा की रैपिड का जो बेस वेरिएंट है राइडर, मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 7,49,000 रुपीज़ का। वहीं एम्बिशन आपको मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से मिल जाता है 9,99,000 रुपीज़ का। तो दोनों में यहाँ पर क्लियरली 2.5 लाख रुपए का प्राइस गैप है दोस्तों। इसके अलावा अगर दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको LED टेल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे, एंटी ग्लेयर IRVM देखने को मिल जाएगा, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाएगी, फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, रियर AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे, फ्रंट आर्म रेस्ट विथ स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाएगा, रियर आर्म रेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, डस्ट एंड पोलन फिल्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs विथ टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं, उसी के साथ साथ आपको मिनिमम ड्यूअल एयरबैग और ABS का फीचर कॉमन मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में और बात कर लेते हैं एम्बिशन में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको राइडर में देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे पहला फीचर है दोस्तों, इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे, LED DRLs मिल जाएंगे, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने को मिल जाएगी, 6.5 इंचेस का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली ऑटो फोल्ड ORVMs देखने को मिल जाएंगे और 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको स्कोडा की एम्बिशन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपके पैसे की बर्बादी होगी। मेरी राय में आपको स्कोडा की रैपिड का बेस वेरिएंट राइडर लेना चाहिए और एम्बिशन के सभी फीचर्स अलग से लगवाने चाहिए। उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 से 80,000 रुपये का खर्चा होगा। मोटा मोटी तौर पर अगर हम इसे 1 लाख रुपए भी मानकर चले तो आपकी 2.5 लाख रुपए की बचत होगी, क्योंकि दोस्तों प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स की जो कंप्लीट यूनिट सेटअप है वो सारी की सारी असेंबली आगे की दोनों सेट के लिए आपको 18,000 से 20,000 रुपए में मिल जाएगी।
6.5 इंचेस का टच स्क्रीन बेहतरीन म्यूजिक सिस्टम आपको 18 से 20,000 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप कंपनी का ओरिजिनल म्यूजिक सिस्टम भी लगवाना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली मेरी राय में ये 40,000 रुपए से कम की कीमत में आपको मिल जाएगा। 5,500 रुपए का अगर हम एक अलॉय व्हील कंसिडर करते हैं तो चारों अलॉय व्हील्स आपको 22,000 से 25,000 रुपए तक मिल जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब के लिए मैक्सिमम 2,000 से 3,000 रुपए खर्चा आएगा। ये सारी चीज़ें अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाते हो तो आपको और भी सस्ते में मिल जाएंगी। बाकी दोस्तों अब ये आपकी राय है कि आप क्या करना चाहते हैं। मेरी राय में स्कोडा की एम्बिशन अपना जो 2.5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्राइस गैप है उसे बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पाती है। मेरे हिसाब से इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए थी तो स्कोडा को शायद और भी ज़्यादा बेहतरीन सेल्स फिगर देखने को मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि स्कोडा ने अपनी रैपिड के बेस वेरिएंट को 7,49,000 रुपीज़ में लॉन्च किया है, उसकी कीमत की वजह से प्रॉफिट मार्जिन में जो कमी आई है हो सकता है उस प्रॉफिट मार्जिन को इन 2.5 लाख रुपयों से पूरा करने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट साबित नहीं होता है। आपको क्या लगता है आज की इस फाइट में कौन जीता? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।